मेरी प्रेस के मेंबर्स, मैं आज से इसी वक्त से दुदुलू प्रेस की पहली मीटिंग शुरू करने जा रहा हूँ। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे इस अखबार का लीडिंग राइटर होने के नाते हर हफ्ते की मेरी ये पहली जिम्मेदारी होगी कि मैं भी एक कॉलम लिखूं, और मेरे पहले आर्टिकल का टॉपिक होगा दुदुलू के लोगों की जिंदगी को समझना। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। और सबसे पहले मेरे कर्मचारियों, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोग किन टॉपिक्स पर लिखना चाहेंगे। चलो जैम, सबसे पहले तुम। दुलुलू के अमीर और गरीब लोगों के बीच के गैप पर मैं रोशनी डालना चाहूंगा। अच्छा है, टॉपिक बढ़िया है। अब जरा डिटेल्स में बताओ। जरूर। ये दुलुलू है, रईसों के रईस, अमीर लोग, और ये है झोपड़ पट्टी, यानी कि गरीब लोग, फिर एक दिन मेरे ही जैसा, मतलब मैं नहीं, मेरे ही जैसा, छोटी छोटी मूछों वाला, एनर्जेटिक, हैंडसम से एक बंदे को यही दुलुलू में रहने वाली एक कुंवारी कन्या से प्यार हो गया। पर इस इश्क की राह में काटे ही काटे थे। ऐसा लगता था जैसे दोनों की जिंदगी एकदम जमीन और आसमान जैसी है। फिर एक दिन चमत्कार हुआ, उस दिल नशी को भी मेरे दोस्त से प्यार हो गया। ऐसी मोहब्बत सबको नसीब हो। अब कोई दीवार न थी, सारी दूरियां खत्म हो गई। सच्चे प्यार में बहुत ताकत होती है, जिससे टूटा हुआ दिल भी जुड़ सकता है। हाय सच्चा प्यार। वाह 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 वाह, क्या बात है जिम, दिल जीत लिया, बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। दरअसल तुमने जो कहानी सुनाई वो सिर्फ हमारे दिल में ही जाकर नहीं बैठ गई, बल्कि वो हमारे दिल के आर पार भी हो गई। ये लो, बहुत अच्छा काम किया है तुमने, जाकर लिखना शुरू करो। तो अब तुम्हारी बारी अरसन, अब तुम बताओ तुमने क्या सोचा है। मैं तो रात भर यहाँ की खाली सड़कों और इमारतों के चक्कर काटता रहा। वो किस लिए? मैंने सोचा कि यहाँ दुदुलू में काफी जवान दिल हैं जो शादी करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं एक घर। लोग शादी करके अपना घर बसाना चाहते हैं, यही उम्मीद और सपने लिए वो जिंदगी से लड़ते रहते हैं। अरसन, तुम्हारी आंखों में एक रिपोर्टर की चमक है, वाह वाह। अरसन, क्या सोचा है इस बारे में? दुदुलू की बिल्डिंग्स और वेडिंग इंडस्ट्री। एक्सीलेंट, गजब का, ये आइडिया तुम्हारा गजब का है, इस पे काम शुरू करो। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। ठीक है ठीक है, तो अब तुम बोलो। तैफर, पहाड़। समझ गया तैफर, तुम्हारी शक्ल पे ये मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे बंद दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं आ रहा। आइडिया है। है तो फिर सुनाओ। लेकिन आपको समझ नहीं आएगा। जरूर आएगा, मेरी तीसरी आंख सब देख लेती है। अच्छा, गेस करो फिर। अच्छा, दुदुलू के बारे में। अच्छा, अखबार। हाँ, सनसनीखेज। सही पहचाना, दुदुलू के बुजुर्ग जो खो गए हैं उनके राज का पर्दाफाश। करेक्ट, आप महान है सर, ये सोचा कैसे आपने, यही तो है। थैंक यू, थैंक यू। ये कमाल तो तुम हो, ये लो। थैंक यू। चलो अब काम पे लग जाओ। तो अब मैंने तैफर के बारे में ये फैसला किया है कि वो हमारे बीच में रहेंगे और इंटरव्यूज लेना शुरू करेंगे। हाँ हाँ, जैसा आप चाहें। चलो। हाँ बोलो तैफर। हाय मेलिस, मुझे तुमसे कुछ पूछना। बोलो तैफर। अच्छा बताओ, हमारे जैसे झोपड़पट्टे दूसरी दुनिया में भी होंगे? तैफर, ये सवाल ना तुम जाकर नासा वालों से करो, मुझसे तो नहीं। क्या मैं उन्हें चिट्ठी लिखूं? हाँ हाँ लिख लो। अच्छा, वो यहाँ से खोया हुआ जूता दूसरी दुनिया में मिल सकता है क्या? तैफर सीधी सीधी बात करो, या तो फिर जाने दो, चलो बाय। रुको ना, मेलिस, 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 मैं बस
ये कह रहा था कि दुदुलू पोस्ट अखबार ने आज पहली मीटिंग कर दी है। वाह बधाई हो। थैंक यू मेलिस मेलिस। तुम्हें पता है मेलिस मेलिस एक तुम ही हो जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेलिस कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे लिए क्यों? क्योंकि मेलिस इतने सालों तक हर रोज मैंने सिर्फ एक ही शख्स को याद किया और वो तुम हो मेलिस। क्या सच? मैं सच कह रहा हूँ मेलिस। अब तो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर भी बन गया। तुम्हें पता है पहला टॉपिक क्या है? खोए हुए बुजुर्ग। हाँ मेलिस, और मैं जानता हूँ तुम्हारे पापा भी। मैं तुम्हारे पापा का पता लगा के रहूंगा, उन्हें जरूर ढूंढ निकालूंगा मैं। तुम देखना मैं अब रिपोर्टर हूँ। ए, कौन है मेरे बहन के पीछे? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। आ मुराद के बच्चे, निकल जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेलिस की कमरी में? वो वहाँ पे क्या कर रहा है? इसकी तो मैं अभी जाके धोता हूँ। देखो तैफुर, पापा को ढूंढने की मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन तुमने अगर उन्हें ढूंढ निकाला तो तुम और मैं। हाँ आगे बोलो ना। मेरा मतलब है हम तो। कहाँ है वो कमीना? भैया मुरत, मुरत कहाँ गया तू? भाग गया। फायर ब्रिगेड का आदमी था ना? नहीं। रुकिए भाई, कहाँ जा रहे हैं? सलाम वालेकुम फायरमैन सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, पहचाना नहीं? मेरी बहन के बुलाने पे तुम तो मेरे घर पे सीधा आ गए थे, उसे भगाने वाले थे, मैंने गोली चलाई और तुम भाग निकले वहां से। हमें रोज इतनी सारी लड़कियां फोन करती हैं, हमें क्या पता तुम्हारी बहन कौन सी है। अरे पर असली कॉलर नकली कॉलर की पहचान तो होनी चाहिए ना। किसी ने यूं ही झूठ मूठ आपको बुला लिया, पता चले किसी ने मजाक में कॉल किया और जहां आग लगी वहां पे आप पहुंचे ही नहीं है, तो फिर क्या होगा बताइए। देखो तुम सही कह रहे हो, पर ये हमारी जिम्मेदारी है कि फोन उठाना और आग बुझाना। एक बार बजाऊं क्या? क्या ये सायरन में एक बार बजाऊं क्या? ठीक है पर ज्यादा आवाज मत करना। थैंक यू। यूसुफ जरा इसकी मदद तो करो। जरा इसे तो देखो। वो वाला बटन है क्या? हाय। हेलो। हाय। हाय। जी दुलुलू पोस्ट से मैं रिपोर्टर सैम। मैं बेतुल हूँ। जी मैं सोच रहा था कि आप पे एक अच्छी सी खबर बना दूँ। खबर मुझ पे? और उस पर कुछ यूँ लिखा होगा, सुंदर कन्याओं के हुस्न का राज। सच में मेरी खबर छपेगी? क्या बात है, सुना तुमने यकीन नहीं होता। कमाल तो होगा जब आप इंटरव्यू देंगी। देखो जो भी शुरू करना है रात को क्लब रिशिर में कर लेना। तुम भी वहीं पूछ लेना जो भी इंटरव्यू सवाल वगैरह पूछने हैं। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, तो फिर हम आज शाम को मिलेंगे क्लब में। ओके। हाँ हाँ मैं क्लब में जरूर आऊंगा। मजा आएगा, जल्दी मिलते हैं। हाँ तो कह दिया, पर मैं अमीरों के क्लब में जाऊंगा कैसे? हेलो कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? यहाँ पे तो बिल्डिंग्स इमारतें बनती रहती है ना। मैं एक रिपोर्टर हूँ, अ जर्नलिस्ट हूँ, और बिल्डिंग इंडस्ट्री पे शादियों और चोरों पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ।
एक बहुत बड़ी रिसर्च। जल्दी मेरी शादी भी होने वाली है, मेरी गर्लफ्रेंड भी रेडी है, और आप तो जानते हैं शादी के बाद घर की जरूरत पड़ेगी, तो आप लोगों की नजर में कोई ऐसा घर है जिसे मैं रेंट पे ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल है, ऐसा मकान इधर ही मिल जाएगा आपको, पर बहुत महंगा होगा। वो देखिए वहाँ पे पूल भी है, आपको जिम भी मिल जाएगा, साथ में सोना बाथ वगैरह, मस्त है ना? आप लोग कितने अच्छे हैं, थैंक यू। हाँ पर फाउंडेशन से लोगे तो थोड़ा सस्ता पड़ सकता है। ओ ऐसा है क्या? और नहीं तो क्या, एडवांस लेकर आओ और मकान आपका पक्का हो जाएगा। सच्ची मुच्ची? बिल्कुल, मैं पैसे लेके आता हूँ फिर। थैंक यू। माँ के हाथ का खाना याद आ गया मुझे, बहुत कमाल का खाना था, लेकिन एक बात है जो मेरी समझ में नहीं आई, इस तरह की ब्रेड आखिर कौन से देश में बनाते हैं? हर देश का खाना अलग अलग होता है, अगर तुम देश के बारे में जान लो तो फिर वहाँ के खाने के बारे में तुम आसानी से जान जाओगे। अब जैसे कि मेरे शेफ जैसा खाना तुम क्यों नहीं बना पाते हो? अब तुम्हारी जो सीक्रेट रेसिपी है वो क्या है हमें बताओ। कैमरा तोड़ दिया है, ये प्रेस वालों पर हमला है, कैमरा तोड़ दिया है इन्होंने। चल गया। याददाश्त खो गई लगता है, हाँ? रुको जरा, कुछ सुनाई दिया तुम्हें? मधुर संगीत बज रहा है कहीं, कितना शांत पल है, इस पल को कैद करना है। कैमरा शुक्रिया। किसकी फोटोएं ली जा रही हैं यहाँ? हमारी अपनी औरतों की, और किसकी फोटो लेंगे? तुम्हारी औरतों की? हमला हो गया हम पर, कैमरा तोड़ दिया इन्होंने, प्रेस वालों पर हमला हो गया, कैमरा तोड़ दिया है इन्होंने। शर्म की बात है, आप हुजूर के साथ उन्होंने ऐसा शर्मनाक व्यवहार किया। उन्हें समझा नहीं पाए, हमारा कैमरा उन्होंने तोड़ दिया, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? या खुदा ऐसा ना कहें, मैंने तो उन्हें आपके बारे में कितने अच्छे से समझाया है। उसके बावजूद? हाँ बेशक। ध्यान से सुनो, यहाँ एक प्रेस का आदमी आएगा। अच्छा? वो आएगा और तुम्हारा खाना खाएगा, बेतुके सवाल पूछेगा, पर उसके पैसे तुम्हें बिल्कुल नहीं। क्या कह रहे हैं आप, तो मुझे क्या करना होगा? क्या करना है? तुम्हारे पास गैस है, चूल्हा है, है, है कि नहीं? चाकू है, यूज करो। समझ गया। फिर तो तुमने जो किया वो बिल्कुल सही था। बचा तो लिया, पर आगे जाके और भी शातिर लोग मिलेंगे, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। सही कह रहे हो तुम, तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? लोगों के बीच जरूर जाएं, मगर लोगों को ये न बताएं कि आप एक रिपोर्टर हैं। वेरी एक्साइटेड सेवाती, पहली बार मैं आम लोगों की बस में बैठने जा रहा हूँ सेवाती। आई एम नर्वस सेवाती। सर कंट्रोल, सर कंट्रोल। अरे रुकिए, अबे हट। सर कंट्रोल, सर कंट्रोल, सर। हुजूर। अरे तुम हो कौन? ये कैसा ड्रेस है? फ्रॉक। क्या? फ्रॉक। अच्छा है, चलो उतारो, जल्दी उतारो जल्दी से। उल्टी हो गई मुझे, सब कुछ निकल गया मेरा।
टच कर लिया तो खरीदना पड़ेगा। हैव अ नाइस डे। ब्रेक टाइम बाद में फिर से 3 स्टेप सीखेंगे, ठीक है? हेलो, कैन आई हेल्प यू? हेलो मैडम, मैं हूँ आसिम, आसिम बलियोगलू। नाम तो सुना ही होगा, बड़ा जर्नलिस्ट हूँ। द इवेंट्स जैसे अखबारों को मेरे कॉलम ने फेमस किया था। अब मैं आपको अपनी फोटो दिखाता हूँ, याद आया कुछ? नहीं, कभी देखा तो नहीं। कोई बात नहीं, भूल गई होंगी आप, कोई बात नहीं। मुझे आपसे एक छोटी सी गुजारिश करनी थी। बोलिए। मोहतरमा, दुदुल्लू पोस्ट नाम का मैं एक अखबार चलाता हूँ, और सच जाने के लिए मैं आम जनता के करीब रहना चाहता हूँ। मेरी किस्मत देखिए, इस किस्मत ने मुझे पहुँचा दिया आपके पास। तो आपको क्या लगता है, ऐसे डांस करके मैं आम जनता के और आपके करीब पहुँच सकता हूँ? मेरे करीब? और ये तैयार, लीजिए, शौक फरमाइए। मैंने डींगे मारी है ना, मैं जानता हूं इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, अपुन की तो कोई औकात ही नहीं है। अब ये देख, सिर्फ 54 ही रह गई है, इतने में तो बस का किराया भी नहीं आएगा। भाइयों, आज मुझे घर मिल गया। सही है, एक जगह देखी है, वहाँ रेंट काफी सस्ता है, पर मैं पूरा नहीं दे पाऊंगा। बाबा, बच्चे, आपकी खटारा गाड़ी की ये तिजोरी, हाँ तो? उसके अंदर से जो मांगो वो निकल आता है। हाँ तो? तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना आज उसमें से पैसे निकाल के देखें। क्या कहते हो, आइडिया बुरा नहीं है, मजा आएगा। ठीक है, चलो चल के पता लगाते है क्या निकलता है। डॉलर्स। अच्छा, ये लो बिल, ये गैस का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, केबल और पेट्रोल का भी है। और कुछ चाहिए तो बोलो। नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई है। अरे वाह वाह वाह, ऐसे वक्त में भी तुम सब साथ हो। और क्या चाहिए तुम लोगों को जिंदगी से? एक अगर गिर जाए तो दूजा तुरंत उसे थाम ले, ऐसे ही तो गाड़ी चलती है, हमेशा से चलती है। हाँ तो अब जाओ, चलो उठो, मुंह लटका के यहाँ मत बैठो, सड़क पे जश्न शुरू होने वाला है, पार्टी। चलो उठो सब, उठो जल्दी, अब पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, एक बार सोच ले, जो करना है तो करना है, हम वहाँ जा रहे हैं, समझ में आ रहा है? पर कहाँ जाएंगे? गिजर क्लब जाएंगे हम, गिजर क्लब में। क्या तू जानता भी है उसकी एंट्री फीस कितनी है? जरा इसे देख, ध्यान से देखो इसे, कहाँ से लाएंगे हम इतने पैसे? अरे अगर दोस्त मुश्किल में हो तो पैसे जोड़ो और मदद करो। ठीक है, ये लो मेरे बिल। ये मेरे। कमाल की जगह है, बड़ा मजा आ रहा है। शायद हम लोगों की भोली शक्लें देख के हम तीनों को एंट्री दे दें। अरे वो काका आ गया। क्या? अरे वही लड़का जो मिला था सुबह में। ऐसा लगता है जैसे मुझे बुला रही है। सच में मुझे बुला रही है भाई? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसके भी दिल की घंटी बज रही है। अरे जा जल्दी डांस कर। तो क्या बोलता है? जाना कर। बारान? बारान कौन है? पार्टनर,
किसका पार्टनर? हाला है मेरा डांस पार्टनर। अबे कहां से सीखा इसने ऐसे कमर मटकाना? एक लड़की को देख के कैसे नाचा जा रहा। अरे वाह, फैशन डिजाइनिंग पढ़ रही हो। पर मुझे ये बताओ कि तुम बनना क्या चाहती हो? एक्चुअली मैं एक डिजाइनर हूँ। तो क्या तुम मूवीज देखने जाते हो? हाँ हाँ, मैं भी मूवी देखने जाता हूँ, लेकिन फ्री टाइम। तो बताओ तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है? घाघरे में धूम धड़ाका। ये कौन सी फिल्म है? मेरा मतलब था सरहद पे धूम। मुझे ऐसी मूवी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये काफी मीनिंगफुल होती है। वैसे मुझे रोमांटिक मूवीज देखना ज्यादा पसंद है। मुझे तो लंबी गहरी आर्ट मूवी पसंद है। वैसे तुम बहुत ज्यादा स्वीट हो। सच में? सुनिए ना, मैं ये कह रहा था कि तुम और मैं एक साथ। एक मिनट सारे गेस्ट, जरा मेरी बात सुनिए। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट आए हैं जो बहुत दूर से आए हैं, जरा इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। कौन है? हमारे गांव से टुच्चे से गांव से आकर यहाँ खड़ा हो गया ये भुक्कड़, और यहाँ आते ही सीधे क्लब में एंट्री मिल गई, इस बात के लिए तालियां तो बनती है। ताली बजाओ। One, two, three, four. गांव से आया भुक्कड़ एक गांव से आया भुक्कड़ एक गांव से आया मुझे अपने आप से नफरत हो रही है। देखा तुम लोगों ने, उन अमीरजादों ने किस तरह से घेरा मुझे। मैं पैदा ही क्यों हुआ? हाँ मैं जानता हूँ मैं किसी काबिल नहीं हूँ। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मुझे मर जाना चाहिए। भाई शांत हो जा। जैम टेंशन लेके क्या होगा, देखना अपना टाइम भी जरूर आएगा। साला मैं पैदा भी हुआ तो सड़कों पे, 16 लोगों के परिवार में, 5 साल का था, मैं माँ ने बाहर खेलने को भेजा था। तब से जो मैं घर से निकला हूँ, दोबारा कभी मुड़ के मैं वापस नहीं गया। जूते चमकाए, पोस्टर लगाए, हर तरह का काम हमेशा मैंने इज्जत से किया, पर फिर भी मिली सिर्फ बेइज्जती। और आज जो मेरे साथ हुआ, ऐसा तो कभी किसी ने नहीं किया था। हेलो नाजली, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? बाय। मेरे भाई, दिल से थैंक यू मेरे भाई। किस लिए? वो मेरी बात सुनने के लिए इसने गर्लफ्रेंड का फोन काट दिया। ए, मेरा दोस्त इस वक्त दुखी है, उसे मेरी ज्यादा जरूरत है, मैं लड़की से बाद में बात कर सकता हूँ। तू एकदम सही बोला मेरे भाई। क्या आपने? मैं भी। सच कहूँ तो खुदा ने तुम जैसा दोस्त देके सब कुछ दे दिया। तैफुर, इसकी नियत कुछ ठीक नहीं लग रही है। वो क्योंकि मेरा फोन वाइब्रेट हो रहा है। सिर्फ एक तुम ही हो जो मुझे प्यार करते हो से भाती। से भाती, तुमने ये क्या पहन रखा है? सर उन्होंने मुझे जबरदस्ती भीड़ में ये घुसा दिया सर। हाँ सर। वाह, तुम कितने खुशकिस्मत हो से भाती। सर मैं चाहता था आप वो ड्रेस पहने।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसमें जरूर कोई भलाई होगी। अब क्या है कि इन कपड़ों के बारे में क्या बोलूं? किसी के पास बहुत सारे कपड़े होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो पहनने के बाद भी कपड़े नहीं पहनते हैं। पर इस तरह से मिलने जुलने की कोशिश हमेशा करते रहनी चाहिए। कैसे सर? अब देखो, तुमने देखा उनका डांस स्टेप क्या था? कुछ ऐसा था, लुंगी डांस जैसा। हाँ, लुंगी डांस जैसा। अब जरा तुम भी करो। बहुत बढ़िया, फिर से फिर से। यही तो है वो आम लोग, उनकी खुशियाँ जिसकी तलाश थी मुझे। क्या हुआ भाई, जब देखो कोई नई मुसीबत लेके आ जाते हैं। तुम ना मुझसे तमीज से बात किया करो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, समझी तुम? जरूरी काम है तभी तो ये सब मैं कर रहा हूँ ना, वरना मैं क्यों करने लगा? तुम क्या मुझे पागल समझती हो? और नहीं तो क्या। सही कहा तुमने, थैंक यू। मम्मी, इन्हें क्या खा के पैदा किया? काली मिर्ची। आप ये सब क्या बोल रही है मॉम? तुमको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? बन टीवी देखकर टाइम पास कर रहे हैं और क्या। ये सब तुम्हें जो भी समझे इयो, लेकिन संभल के रहना। उस तैफुर को अपनी बहन से दूर रखना, वरना बहुत पछताओगी। अगर वो तैफुर तुम्हारे आसपास भी कहीं दिखाई दिया ना, तो तुम सोच लेना तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा मैं, और मैं वो करूंगा। पर भाई, वो पापा को ढूंढ रहा है। पापा को ढूंढ रहा है? हमारे डैड को? कहाँ ढूंढ रहा है वो हमारे डैड को? उसे पता है क्या वो कहाँ पे है? कहाँ पे है वो, बताओ मुझे। पता है भाई, मुझे पापा की बहुत याद आती है। हर बार वो डिनर के बाद डकार मारते थे, मोजे उतार के अपने बदबूदार पैरों से खेलते थे। मैं तो अब तक उनके गंदे पसीने की बदबू नहीं भूली। जब मैं छोटा था, मेरे डैड आसपास के हर मछुआरे बावर्ची ड्राइवर को माँ बहन की गाली देते थे। एक बार तो किचन से चाकू लेके आए थे डैड, ताकि पड़ोसी की गाड़ी के टायर हम फाड़ सके। इससे भी उनका जी नहीं भरता था। बोले, जा बेटा माचिस ले आ, कार को आगे लगा देते। कितना खुश था मैं उस दिन कि पापा और मैं मिलके कार चलाएंगे। अब वो दिल कभी वापस ले आएंगे? लाएंगे? कहाँ गए वो दिन? जानते हैं, 6 साल से वो लापता है। पता नहीं कहाँ हो सकते हैं वो। कितना सोचता हूँ पर समझ नहीं आता। कहाँ से शुरुआत करूँ मैं? बच्चे, मैं क्या सोच रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि उन्होंने कोई चोरी की फिर उन पैसों से ऐश कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि पाव भाजी वगैरह डकार रहे हो फिर कोरोना वोरोना की वजह से कहीं और जाके मर गए हो? क्या कह रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ पे तो किसी ने भी उनकी लाश तक नहीं देखी है। अगर उन्हें कोरोना होता तो वो डॉक्टर के पास जाते या हॉस्पिटल तो जरूर जाते, या किसी डॉक्टर को शायद कांटेक्ट करते, लेकिन उन्हें तो किसी ने भी नहीं देखा बाबा, किसी ने भी नहीं। और बच्चे सोचो तो सही, चोरी करने के लिए भी कपड़े क्यों छोड़ के जाएंगे? सही है। देखो, सोचो, हो सकता है वो आसपास ही हो सकता है ज्यादा दूर ना गए हो, क्या पता किसी दरवाजे के पीछे ही हो और तुम दरवाजे के आगे देख रहे हो। जो भी हो, तुम उन्हें ढूंढ लोगे। आपको वाकई लगता है बाबा? हाँ, सिर्फ तुम ही इसे सुलझा सकते हो बाबा। हाँ, कहीं वो आपकी टूटी हुई कार में तो नहीं? क्या? तिजोरी के अंदर? तिजोरी के अंदर? तिजोरी के अंदर क्या बोल रहे हो? कोई रास्ता होता तो मुझे दिखता ना। आज के लिए बस इतना ही, अब मुझे इजाजत दो, मजे करो, सीधा दिमाग लगाओ। गुड नाइट। कुछ तो है जो आंखों के सामने है,
पर पता नहीं किसी को नजर ही नहीं आ रहा। वो क्या था? देखना पड़ेगा। बापरे बापरे बापरे, ये हो क्या रहा है? जरा देख के आता हूं। कौन था वो? मैंने जरूर किसी को तो देखा इसके अंदर जाते हुए। कौन है? ए, रुको रुको, कौन हो तुम? अरे बाप रे, कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? सच सच बताओ वरना मैं। अरे बाप रे, तुम तो जाने पहचाने लग रहे हो। निकाती अंकल, निकाती अंकल, आप यहां क्या कर रहे हैं? मैंने ढूंढ लिया, निकाती अंकल मिल गए। मेलिस, मेलिस, मैंने तुम्हारे पापा को ढूंढ लिया। मेलिस, मेलिस, मैंने तुम्हारे पापा को ढूंढ लिया। मेलिस, मेलिस, क्या हुआ? लो आ गए। ए, क्या कर रहा है तू? हाँ, समझ में नहीं आता क्या तुझे? अयुब भाई, अयुब भाई, मुझे कुछ कहना था आपसे। हाँ, क्या बोल रहे थे? बताओ 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 मुझे। वो मैं कह रहा था कि फ्री टिकट्स मिले हैं, पिक्चर देख के चले। अच्छा, टांग खींच रहे हो तुम मेरी? डेफोर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेलिस, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना था। क्या 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 दिखाना चाहता है? वो मैं सम्मान मंडली। तैफूर भागो, अवेंजर असेंबल, भागिए। निकाती अंकल जल्दी चलिए, आपका बेटा पागल है, उसका कोई भरोसा नहीं। आपका बेटा एकदम पैदल है। चलो अब पैदल, इसके अंदर। कहाँ भाग रहे हो? अरे इधर तो आओ, नहीं मारूंगा तुम्हें। अरे कहाँ गए तुम? रुक तो जाओ, नहीं मारूंगा तुम्हें, सुनो तो। ए, एक मिनट एक मिनट, वो कमिश्नर का बंगला है, उधर मत जाओ। अच्छा तो एक काम करो, यहाँ पर बाहर आके मेरे साथ बात करो, मैं कुछ नहीं करूंगा तुम्हें। अयुब भाई सुनो तो, मेरी बात तो सुन लो, सुन के तुम खुशी से पागल हो जाओगे सच में। हाँ ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा तुम्हें। पहले बाहर आओ और फिर बताओ मुझे क्या बात करनी है। अयुब भाई, निकाती अंकल क्या खिला के पैदा किया था आपने इसे? हाँ, इतना हिंसक है, बात बात में पागल हो जाता है। अयुब भाई सुनिए तो, देखो मारना मत, तुम्हें एक अच्छी खबर देनी है, सच कह रहा हूं मैं, एक बार मेरी बात तो सुनो प्लीज अयुब भाई। अच्छा तो एक काम करो, यहां पर बाहर आके मेरे साथ बात करो, मैं कुछ नहीं करूंगा तुम्हें। अरे ये तो गुलेल का निशाना लगा रहा है। निकाती अंकल, ये आखिरी वार्निंग है, डरपोक, भाग जाए यहां से और मेरी बहन के आसपास भी मत दिखना, समझे तुम? चलो यहां से, चलो चलो। बाबा कहां हैं आप? आपकी बहुत जरूरत है, कहां हैं आप इस वक्त? हाँ अरे बाबा, बाबा जब चाहिए तो आप क्यों नहीं दिखते? बाबा बाबा हा? बाबा, अरे बाबा कहाँ थे आप? तुम्हारी माँ के साथ, वो बीमार है। अदरक वाली चाय बना देते। मैंने तो नींबू और दालचीनी वाली बनाई। अच्छा, सर्दी लगी हुई थी? और क्या, 10 दिन बाद अचानक से नहाएगी तो सर्दी तो होगी। जब देखो आप सिर्फ मजाक ही करते रहते हैं। वो कौन है? मेलिस के पापा हैं ये। हे भगवान। हाँ
इसकी क्या हालत होगी है? क्या हुआ इसे? नहीं बुरी हालत? मत पूछिए, बड़ी मुश्किल से ढूंढा और फिर यहाँ लेके आया हूँ। पर ये बेवकूफ अय्यूब हमें गोली से उड़ा देता। मैं ही खाली दिमाग नहीं हूँ। बाबा बस करो बाबा, पहले से ही टेंशन है। अब मैं क्या करूँ? मैं इसको कैसे बोलूँ कि उसका आधा अधूरा बाप मिल गया है? कैसे बताऊँ उसे? प्यार का मामला है तो मेरी बात मानो। हाँ, फाइनली काम की बात कर रहे हैं, बताइए ना जल्दी। वो कौन सी दो चीजें हैं जो लड़कियों को पसंद है? मतलब फूल, चॉकलेट, गुची प्राड़ा? नहीं, वो सब नहीं। लड़कियों को क्या अच्छा लगता है ये बताओ मुझे तुम। तारीफ। क्या? वही सब झूठ। क्या स्माइल है तुम्हारी, क्या आंखें हैं, वगैरह वगैरह। इसको तारीफ बोलते हैं? कुछ नहीं पता है तुम्हें। कुछ क्या करूं बाबा, पहली बार है, डर लगता है। बस ये बताइए कि मैं मेलिस को खुश कैसे करूं, बस यही मेरे लिए बहुत हो जाएगा। सरप्राइज दो। सरप्राइज दूं? हाँ, उन्हें सरप्राइज बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ अच्छा सा प्लान करो, देखना खुश होके तुम्हें गले लगा लेगी। हाँ, सच कह रहा हूं मैं, आजमा कर देख लो। एक सरप्राइज। पागल हो गया है क्या तू? इतनी सुबह सुबह कोई किसी को उठाता है क्या? अरे ऊपर वाले से डर। यार कितने अच्छे सपने आ रहे थे मुझे, उठा दिया। तुम्हारे सपने का रास्ता हो सकता है इस तिजोरी में हो? अच्छा जोक था, अब चलें। सही है, कुछ भी बोलते। हाँ अच्छा जोक था। भाइयों, अंदर कोई है जिसे तुम दोनों से मिलना है, वो भी अभी। कौन? मेरे भाई, कहीं तुमने इसके अंदर किसी की लाश तो नहीं छुपाई है? चुप करो यार, मक्खी भी मार सकता हूँ क्या मैं? हाँ, इतना भड़क क्यों रहा है? शांत हो जा गदाधारी भीम। हाय, मुझे तो गदाधारी नहीं, छोटा भीम पसंद है। छोटा भीम से याद आया, जब हम छोटे थे तो ये नोट को भी चिल्लर की तरह गिनता था। आज इसको इस तरह का पागलपन करता देख मुझे बचपन की याद आ गई। इनसे मिलो। अरे ये मेलिस के पापा हैं। ओ, अरे बाप रे, इतने भयानक अंकल ने काटी, क्या दाढ़ी बढ़ाई है, आपको नजर ना लगे। हे, हेलो, सुनो ओए अंकल। ये अंकल बोल नहीं सकते हैं क्या? नहीं, बस अजीब सी आवाजें निकालते हैं। ये देखो हा? ये देखो। ओ, फिर से किया? सदमे में होंगे, किसी सदमे में है शायद। भाई क्या बात है, आखिर तूने ढूंढ ही निकाला अपने ससुर जी को, पर ये इतनी सी तिजोरी में फिट कैसे हो गए? सो रहे हैं क्या? इनका दिमाग ठिकाने पे तो है ना। क्या हम तिजोरी में नहीं घुस सकते? भाई मैं नहीं, तू जाएगा, मैं बाहर से नजर रखूंगा, अगर कोई हलचल होती है तो मैं तुझे पहले बता दूंगा। भाई तुझको मानना पड़ेगा, हम तीनों साथ हो तो बेहतर होगा ना। नहीं भाई नहीं। अरे ओए खोते, अरे रुको तो। बड़ी चैन से सो रही है बेचारी। खूबसूरत है क्या? बहुत। चल फिर उठा दे परी को, उठा दे, उठा दे। मेलिस, अरे मेलिस, खिड़की खुली हुई है। हाँ, तो फिर अंदर चले जा। ओके। मेलिस, 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 मेलिस। तुम यहाँ अंदर कैसे आ गए? मेलिस, मुझे तुम्हें
अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो तुम मना तो नहीं करोगी? बोलो। हाँ, तुम्हें मिस कर रहा था, एक किस करूं? तैफुर। एक सेकंड, क्या कहा मैंने? कुछ गलत तो नहीं सुन लिया तुमने? क्या चाहिए तुम्हें, आखिर बात को घुमाओ मत। किसमिस बड़ी अच्छी मिलती है दुकानों में, खाने में टेस्टी और एकदम मीठी होती है। बड़ी बड़ी दुकानों पे भी मिलती है किशमिश। तो कब चलोगी मेरे साथ? तैफुर, कब से क्या बकवास किए जा रहे हो? अब मुझे सीधे सीधे बताओ, क्या चाहिए तुम्हें, क्यों आए हो यहाँ? ठीक है मेलिस, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। हा? क्या दिखाना है? सरप्राइज। बाप रे, कैसे हो तुम? मैं मस्त हूँ दीदी, आप तो ठीक हो ना? अरे मैं तो बस एकदम झकास। अरे ये तो सो गया। हे, अबे क्या कर रहा है? सरप्राइज की बहन बजाएगा क्या? घोड़े बेचकर सो गया। क्या हो रहा है यहाँ पे? इनको निकालो जल्दी यहाँ से, भाई आ जाएगा, जल्दी करो। आग, आग! यहाँ पे आग! सम्मान मंडली, बचाव की तैयारी करो। पहली बार तुम और मैं सड़कों पर अकेले हैं, सपना जैसा लग रहा है मुझे। क्या सच में? तैफुर कुछ भी मत बोलो, क्या यही तुम्हारा सपना है? क्या बोल रहे हो? कितनी प्यारी हो मेलिस। मेरी बात सुनो, अब यहाँ से हम सब अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर तुम तीनों उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाती हूँ, चलो। वैसे तुम मेरे साथ हो ना, मुझे एक सरप्राइज दिखाना है। अब हम क्या करें? मेरे पास एक ढांसू आइडिया है, एहसान को मैं उठा लेता हूँ और उन लोगों को चकमा देता हूँ। तुम दोनों उधर जाओ और मैं उधर जाता हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा, गुड आइडिया। लाओ इसे मेरी पीठ पर रखो, उठाओ इसे। हाँ उठाओ, चलो जल्दी करो, ये कितना भारी है। चलो चलो तुम दोनों भी जाओ, भागो 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 भागो, इस तरफ इस तरफ। उफ, थक गए। लेकिन हम भाग क्यों रहे हैं? अभी नहीं बता सकता, ये एक सरप्राइज है। यार तैफुर, ऐसा क्या सरप्राइज है जो तुम बता नहीं सकते? अच्छा ये बताओ, छोटे बच्चे नहाते कैसे हैं? क्या मतलब? हाँ बिना कपड़ों के। मैं जा रही। अरे रुको 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 रुको, मैं समझाता हूँ। भाई, 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 क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बोलो ना, तुमने मुझे बुलाया? कोई आग वगैरह नहीं, किसी ने उल्लू बनाया। हे, मेरी मेरी बहन को ले गए वो लोग, चलो चलो पकड़ो उन्हें। मेलिस, तुम्हारे पापा मिल गए मुझे। क्या? हाँ। मुझे पता था तुम ढूंढ लोगे, लेकिन कहाँ है वो? मेलिस के पापा कहाँ हैं? सरप्राइज, ये रहे। तुमने पापा को पैक किया है? सरप्राइज, टन टन। प्यार की जगह मार, ये कैसे हो गया? कैसा मजाक है ये? हाँ कैसा मजाक है? मजाक नहीं, सच है ये। तुम झूठे मक्कार, तुमने मुझसे झूठ कहा ना? अरे वो यही थे, आई स्वेर, यही पे थे, ऐसे कहाँ चले गए? अरे यार, अरे मैंने उन्हें ढूंढा था, वो यहीं पे थे, सच में। मेरे पापा के बारे में ऐसा गंदा मजाक करने के बारे में तुमने सोचा भी कैसे? तैफुर तुम बहुत बुरे हो, बात मत करो। तुम्हारी कसम, वो यहीं पे थे, पता है मुझे, वो सुएज के अंदर मिले थे, मैंने उन्हें तुम्हारे घर भी लाया था, तुम्हें याद है ना, मैं उस दिन आया था, पर हमें अयूब से भागना पड़ा। उफ, मेरा भाई तो मुझे मार ही डालेगा। बाती, तुम्हारा ये नया लिबास मुझे लोगों के करीब जाने में बहुत मददगार साबित होने वाला है। मैं सोच रहा हूँ मैं भी अपने ये वाले लिबास बदल लेता हूँ।
क्या बोलते हो? सर आप तकल्लुफ ना करें, मैं अकेला काफी हूं उनके लिए। सही कहा, ठीक है। सेवाती, ये उन चंद लोगों की लिस्ट है जिनके हमें इंटरव्यू लेने हैं, इन्हें ध्यान से देखो, कोई छूट ना जाए, ठीक है? ये सारे नाम अच्छे से पढ़ लो। सर मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। देखो इस रोड पे यहाँ जाके मजदूरों की एक बस्ती है और सर... सर ओनो सर ओनो ओनो ये क्या क्या ये मर गया? देखो तो सेबाती नहीं। क्या हुआ? ये तुमने क्या कहा सेबाती? मैंने 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 नहीं कुछ भी नहीं। नहीं तुम बताते क्यों नहीं? वो मर गया या जिंदा है? हमने उसे मार दिया है। बाप रे बाप, अब तो हमारे नाम से कंप्लेन जरूर लिखी जाएगी। से भाती, किसी को मार दिया मैंने, अब तो जेल जाना निश्चित है, बाकी की जिंदगी वहीं कटेगी। क्या होगा मेरा और मेरे सपनों का? ये लीजिए। वाह, तुम्हारा शुक्रिया से भाती। आज यहाँ पर हमें पूरे 972 दिन हो गए हैं और शांति से एक दिन भी नहीं काट पाया। कहा तो हमारा आम जनता से रूबरू होने का अरमान था, लेकिन आज जब हमारी जिंदगी की शाम सामने आई है तो फिर हम लोग यहाँ पर जेल की चक्की पीसने आ गए। कितना मारेंगे ये लोग हमें? आते जाते जिसे भी देखो वो ये घोंप देता है। सर शांत रहिए सर, मतलब मैं संभाल लूंगा, आप फिक्र ना करें, फिक्र ना करें। तुम सब कुछ कैसे संभालोगे से बाती? आप बोले तो मैंने ट्रक में उठा ले जाऊं। यहाँ जो खतरा है उसे तो मैं बहुत अच्छी तरह से महसूस कर रहा हूँ, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त हम लोग यहाँ कर क्या रहे हैं से बाती? हम आपका सर फूटने से बचा रहे हैं सर। उठ भी जाए अरसान, हाथी कहीं के, कमर टूट गई मेरी। कुछ हुआ क्या? मैं तो सो ही गया था, बहुत बढ़िया नींद आई। तुम सो गए थे? इसे सोना नहीं बेहोश होना कहते हैं। 10 किलोमीटर तक अपनी पीठ पर लाद कर तुम्हें यहाँ लाया हूँ। मुझे लगा कि मेरी मम्मी मुझे झूला झूला रही है, मैं क्या करूँ। अरे मेरे भाई, तो तेरी दूध की बोतल कहाँ है? मेरे भाई अब आगे क्या करना है? अच्छा तो इसमें तुम भी इसके साथ मिले हुए थे। आज के बाद मुझसे कभी बात मत करना, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, देख लेना। क्या हुआ दीदी? मत कहो मुझे दीदी। मेलिस ने बक्सा खोला और वो खाली था। क्या? मेरे से यहाँ पे नहीं है, ले गए मेरी बहन को। टाइफून! भाई आ गए, बंद करो इसे, जल्दी जल्दी जल्दी। डरो मत, तुम्हारा भाई अंदर नहीं आ सकता। हाँ मेलिस, वो नजदीक आ रहा है। वो यहीं आ रहा है। तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है गायब होने के डर से मैं यहाँ पर नहीं आऊंगा? जब तुम यहाँ पर आने के बाद गायब नहीं हुए तो मुझे यहाँ पर आने का क्या खतरा है? हाँ अब भाग के दिखाओ, कहाँ है मेरी बहन, कहाँ छुपा है उसे, बताओ मुझे। क्या तुम्हारी बहन? तुम्हारी कोई बहन है? इसकी कोई बहन है? कौन है तुम्हारी बहन? इसकी बहन कौन है? तुम्हारी बहन? मेरे से पंगे मत लो, समझे? मार मार के भरता बना दूंगा तुम लोगों का। अभी क्या, अभी बताओ मुझे मेरी बहन को कहाँ छुपा है, बताओ जल्दी, नहीं तो मैं। हमने उसे नहीं छुपाया, शायद वो बाजार चली गई हो। हाँ हाँ बाजार चली होगी। नहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जरूर पिक्चर देखने गई होगी। चुप बैठो, चुप। और तू चल चल जल्दी बता मेरी बहन कहाँ है, नहीं तो तुझे। वो घर चली गई। हाँ घर चली गई, तुम्हारी बहन घर चली गई। अच्छा? हाँ 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 मुझे पता है, वो घर ही गई होगी, है ना? इतनी समझदार तो है मेरी बहन कि वो जरूर घर ही जाएगी, है ना? और तुम लोगों के लिए फाइनल वार्निंग है, सुनो, अगर मेरी बहन के आसपास भी तुम लोग फटके तो मैं इतना मारूंगा कि तुम लोगों का भरता बना दूंगा, समझ गए? समझ गए। वो बॉक्स क्या है बताओ मुझे। ये हमारे मालिक के लिए है पर खाली है, चाहो तो आप चेक कर सकते हो। गिफ्ट लाने के लिए पैसे नहीं थे इसीलिए सिर्फ बॉक्स है। उसे बोलो कि तुम्हारी सैलरी बढ़ाए ताकि तुम लोग उसे गिफ्ट दे सको। बेवकूफ लोग, इतना भी नहीं समझ में आता। चलो चलो
जाहिल, एक बार देखा भी नहीं कि बॉक्स के अंदर क्या है। बेवकूफ। हाँ बेवकूफ कहीं के। देख लेता तो पागल हो जाता। और हमें बेवकूफ कह रहा था। हाँ दीदी, खतरा टल गया। आ जाओ। एयू चला गया।